जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आइए मेरे साथ आज आप और खुली फिजा में आ जाइए, यहीं पे बैठ के आपको कुछ सुनाएंगे। मैं कागज भी मेरे पास हैं, तो शुरू करते हैं। पहले मैं अशार से शुरू करता हूँ, तो वो अशार क्या है? कल मैं सुन रहा था, इत्तफाक से जिया मोहिउद्दीन हैं, बहुत कमाल का उर्दू बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ बता रहे थे बेखुद दिलवी के बारे में कि उनका शेर उन्होंने पढ़ा और मुझे बेख्तियार पसंद आया, तो मैंने सोचा ये आपको जरूर सुनाएंगे। और वो शेर क्या है? वाहज शराब नाब को इतनी बुरी न कह, जन्नत में आप भी तो पिएंगे अगर गए। जोर किस पे है कि अगर गए? वाहिद शराब नाब को इतनी बुरी न कह, जन्नत में आप भी तो पिएंगे अगर गए। दूसरा शेर सुनिए, ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। तीसरा शेर सुनिए, जनाब शेख ने जब पी तो मुस्कुरा कर कहा, मजा भी तलख है और कुछ भू भी खुशगवार नहीं। जोर किस पे है? मुस्कुरा कर कहा। फिर सुनिए, जनाब शेख ने जब पी तो मुस्कुरा कर कहा, मजा भी तलख है और कुछ भू भी खुशगवार नहीं। अब मैं आपको कोटेशन सुना डालता हूँ, वो ऐसे है जी कि कल मैंने कहानी डाल दी थी डॉरथी पार्कर की, कि सब ठीक ठाक था, बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़ लीजिए। और उसकी उनकी एक कोटेशन है, वो मैं पढ़ने लगा हूँ कि द क्योर फॉर बोल्डम इज क्यूरियासिटी, देर इज नो क्योर फॉर क्यूरियासिटी। वैसी अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। द क्योर फॉर बोल्डम इज क्यूरियासिटी, देर इज नो क्योर फॉर क्यूरियासिटी। फिर से सुनो, फिर से बोलूं, कोई गलत तो नहीं मैं बोल गया? द क्योर फॉर बोल्डम इज क्यूरियासिटी, देर इज नो क्योर फॉर क्यूरियासिटी। उकताहट का इलाज है तजस्स, ला इलाज है तजस्स मगर। दूसरी लीजिए, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। ये चलिए, हमारी पहचान ये है कि हम बार बार क्या करते हैं, इसलिए फजीलत एक्सीलेंस यानी एक फेल है, एक आदत नहीं। यानी इट इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट, इसलिए फजीलत एक फेल है, एक आदत नहीं, एक फेल नहीं एक आदत है। तो दो तो मैंने सुना दिए, और मेरा ख्याल है कुछ और देखूं या इसी पे इसी नहीं नहीं एक सुना डालता हूँ, ये भी अच्छा था, कल मैंने इसको दोबारा गौर किया था। लेट योर पास मेक यू बेटर नॉट बिटर, माजी से सबक लो और बेहतर बनो, ना के कड़वाहट अखज करो। चलिए अब मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ। नज़म क्या है? थॉट पोइट्री है ओपी रंचन की,
और वो ऐसे करता हूँ, मैं पहले पढ़ जाता हूँ छोटी सी है, उसके बाद मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके कुछ जो बीच में मुश्किल अल्फाज हैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ताकि इसका जो तसलसल है वो ना टूटे और आपको रिदम जो है जिसको रिदम कहते हैं वो मज़ा आ जाए उसका। सुनिए, और बड़ी अच्छी चीज़ है। ओपी रंजन, किसने कहा मकाम नहीं जिंदगी में मनफी चीजों का, कौन कहता है कि अच्छी नहीं उदासी, जीस्त में जगह है इसके लिए भी, मुआवन साबित होती है मुसर्रत की शाहरा पर गामजन करने में, मसल है जैसे कि इन बेहतर के इंसान मोहब्बत करे और हारे, बजाए के कतन बहरा वरना हो इसके, या जैसे के अलील हो इंसान और शफा याब हो जाए, बजाए के मुतलिक बचा रहे बीमारी से, मुआवन साबित होती है तंदुरुस्ती से, लुत्फ अंदोज होने के लिए जामे तौर से, इसी तरह उदासी और शिकस्त लाजम है निजात के रास्ते पर चलने के लिए। अब मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ और जरा एक एक लफ्ज का मीनिंग बस। किसने कहा मकाम नहीं जिंदगी में मनफी चीजों का, नेगेटिव, कौन कहता है कि अच्छी नहीं उदासी, जीस्त में जीस्त लाइफ होती है, जीस्त में जगह है इसके लिए भी, मुआवन साबित होती है यानी हेल्पफुल होती है, मुसर्रत की शाहरा पर गामजन करने में, मुसर्रत कुछ ही होती है, शाहरा रोड होती है, मसल है जैसे कि बेहतर है कि इंसान मोहब्बत करे और हारे, बजाय के कथन बैरावर ना हो इसके, यानी कथन मीन्स टोटली और बैरावर को मिले ही नहीं उसको, या जैसे के अलील हो इंसान, अलील बीमार होता है, और शफा याब हो जाए, बजाय के मुतलिक बचा रहे बीमारी से, मुतलिक मीन्स टोटली, मुआवन साबित होती है तंदुरुस्ती से, लुत्फ अंदोज होने के लिए जामा तौर से टोटली, तभी मजा आता है, तंदुरुस्ती का पता ही तभी चलता है जब आप बीमार होकर उठे होते कि ये होती है हेल्थ, इसी तरह उदासी और शिकस्त लाजम है, नोट कीजिए, उदासी और शिकस्त लाजम है निजात के रास्ते पर चलने के लिए, तुम्हारी डिलीवरेंस तो तभी होगी, शिकस्त भी आएगी उदासी भी आएगी। बड़ी अच्छी पोएम है, गौर कीजिए। तो अभी आपसे हम गुड बाई कहते हैं, फिर मिलेंगे हो सकता है थोड़ी देर बाद या शाम, क्योंकि कुछ पता नहीं है। राइट, बाय।